अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा CSE स्कॉलरशिप के बारे में, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी कहते हैं। स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स होते हैं वो चाइना में एडमिशन लेते हैं। इस स्कॉलरशिप में ऑलमोस्ट चाइना की 279 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और हर यूनिवर्सिटी का अपना सिस्टम है, रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। ये नहीं है इनकी कोई डेडलाइन है कि आपने बस दिसंबर तक करवानी है या फरवरी मार्च इस तरह करके करवानी है, इस तरह को नहीं। हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी डेडलाइन है, तो वो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे, वो आपको बता देंगे उनकी कौन सी डेडलाइन है। फिर जो CSE के लिए जो हम अप्लाई करते हैं वो एक CSE पोर्टल पे करते हैं, एक यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे करते हैं। इसके भी तीन तरीके होते हैं कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक जो है वो ये है कि आप एम्बेसी में भी, पाकिस्तान की जो एम्बेसी दैट्स वो पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान की एम्बेसी से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो थर्ड मेथड है वो ये है कि आप पाकिस्तान हायर एजुकेशन में भी अप्लाई कर सकती हैं, पर जो मेरे ख्याल से वो बेस्ट ये रहेगा कि आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्योंकि आप पाकिस्तान के हालात तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें एक्सेप्टेंस लेटर नहीं भी रिक्वायर्ड होता है, पर ज़्यादातर में जो है एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। फिर कई यूनिवर्सिटीज़ होती है उधर, ये है कि वो आपसे आर्ट्स का भी स्कोर मांगते हैं कि हमें आर्ट्स चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो कहते हैं कि हमें आप अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर दिखा दें, तो वो आप किसी भी अपने यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर वगैरह से बनवा सकते हैं। इसके अलावा हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि स्कॉलरशिप कितनी कितनी मिलती है। जो बैचलर होता है उसमें जो स्कॉलरशिप मिलती है आपको वो मिलती है 2500 RMB मिलती है, और इसके अलावा जो मास्टर का प्रोग्राम होता है उसमें आपको 3000 RMB मिलती है, और इसके अलावा जो PhD होता है इसके लिए आपको 3500 RMB मिलती है। फिर आपने अपनी फील्ड के मुताबिक प्रोग्राम देखने के लिए जो सर्च करना है गूगल पर जाके, वो ये है कि आपने जाना है स्कॉलरशिप गाइड डॉट इन्फॉर्मेशन पर सर्च करना है। इसकी बिल्कुल साइड पे आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहाँ जाकर आपने CSE स्कॉलरशिप को सर्च करना है। फिर उसको सर्च करने के बाद यहाँ आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी, जो सारे मेजर होंगे वो आ जाएंगे। कुछ फुली फुली फंडेड स्कॉलरशिप वाले होंगे, और कुछ बस जिनकी ट्यूशन फीस वगैरह जो होगी वो स्कॉलरशिप ही होगी। इसमें जो मास्टर होता है वो चाइना में वो ऑलमोस्ट होता है 2-3 साल का होता है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होना उस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने हैं, वो फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा जो इसका एलिजिबिलिटी एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये साथ में आप पॉइंट्स भी लिखे होंगे, मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो पहला पॉइंट है उसमें ये है कि आपकी जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो गुड होनी चाहिए, और क्या जो बैचलर के लिए जो आपकी एज है वो 25 साल से कम होनी चाहिए, और जो मास्टर के लिए है वो आपकी एज जो है वो 35 साल से कम होनी चाहिए। और हाँ, एक और पॉइंट ये है कि जो बैचलर है उसमें उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास हाई स्कूल का जो डिप्लोमा होना चाहिए। पाकिस्तान में जो नॉर्मली होता है वो FA और FSC होती है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके अलावा जो मास्टर है उसके लिए आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और PhD के जो क्राइटेरिया वो ये है कि जो आपकी एज है वो 40 साल से कम होनी चाहिए, आपके पास जो है मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको और इसके अलावा अगर आपने चाइनीज़ स्टार्ट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास HA का स्कोर होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश के हवाले से यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने फुल करनी है। मसलन जैसे मैंने आपको बताया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आर्ट्स जो उनको रिक्वायरमेंट में आर्ट्स होता है कि आपने आर्ट्स करना है, और कुछ में ये होता है कि आपका जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह से किसी भी प्रोफेसर वगैरह से बनवा लें तो आप अप्लाई कर सकती हैं। इसके प्रोसेस है CSE के लिए, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा फॉर्म वगैरह, साइट पर आपको सब कुछ शो करवा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट चाहिए वो जो आपने फिल करना है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट डॉट स्कॉलरशिप फॉर्म पे जाकर फुल करना है। उसमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये है कि आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा प्लस सर्टिफिकेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन का होना चाहिए। हाँ, और ये जो है नोटराइज फ़ोटो कापी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है आपके जाके बोर्ड वगैरह से ही जाके करवाइए, आप कचहरी वगैरह में भी जाके करवा सकते हैं। जो नोटराइज फ़ोटो कापी होती है ये कचहरी के अलावा जो है वो HA से होती है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होती है, तो मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा आप कचहरी से करवा लें, वहाँ से आराम से हो जाएगी। इसके बाद आपने अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है जो चाइनीज़ में या इंग्लिश में होनी चाहिए, पाकिस्तान में जो यूजुअली वो इंग्लिश में होती है वो करनी लेनी है। इसके बाद आपने सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज डिपेंड अपॉन यूनिवर्सिटी है कि अगर उनको लैंग्वेज का सर्टिफिकेट चाहिए तो। इसके बाद जो एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स में है वो आपने अपना रिसर्च प्लान बताना, स्टडी प्लान बताना, और इसके अलावा जो रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा। इसके अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स आ जाती हैं जिस तरह वो पेंटिंग वगैरह पिक्चर्स होगी,
उनको अपनी जो प्रोफाइल जो बना रहा है वो डॉक्यूमेंट्स में उसमें उसकी पिक्चर्स या वीडियोस वगैरह भी ऐड करनी है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आपको एक गार्डियन की ज़रूरत होगी। गार्डियन कोई भी हो सकता है, पर ये है कि उसी सिटी में हो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो जो गार्डियन होगा उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसमें आपके पेरेंट्स के साइन होंगे कि ये हमारे बच्चे का गार्डियन है। तो ये सारा प्रोसेस होगा। जो पॉइंट आता है वो ये है कि फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं, तो वहाँ से वो आपने फिर करवाना होगा। और लास्ट पे जो है वो पुलिस सर्टिफिकेट आएगा, क्योंकि वो तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में इसरा होता है, पुलिस सर्टिफिकेट तो चाहिए होता है। अब आप अच्छा अभी मैं आपको जो मेन पॉइंट बताऊँगा वो ये कि आप अपनी फील्ड में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी ये जो आपने प्रोग्राम करना है वो प्रोवाइड कर रही है। इसमें जो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, अभी ये आप देख रहे हैं साइड पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ ये हेड लिखा है, तो इस पर आपने क्लिक करके आ जाना है। यहाँ यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम लिखा है वहाँ पे आपने क्लिक करना है, फिर यहाँ डिग्री का ऑप्शन आ रहा होगा फिर आपने वहाँ पे क्लिक करना है, फिर उसमें आपने बताना है कि कौन सी लैंग्वेज में करना है वो आपने क्लिक करनी है, उसके बाद आपने प्रोविंस है वो ऑल कर देना है, क्योंकि वो फिर सारी यूनिवर्सिटी जा जाएंगे वो बेटर रहेगा। फिर आ जाएंगे फिर जो से प्रोग्राम है आपने अप्लाई करना है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर यूनिवर्सिटी अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स बता देगी आपको, जो भी रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो भी डेडलाइन होगी वो बता देगी, और आइट्स भी चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब कुछ वो बता देगी। अपने सी एस सी पोर्टल पे आपने कैसे अप्लाई करना है वो आपने सी एस सी के पोर्टल के बिल्कुल राइट पे साइड पे टॉप पे लिखा आता होगा स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर अकाउंट बनाना, फिर राइट साइड पे आप देखेंगे कि वहाँ क्रिएट एन अकाउंट आएगा, वहाँ पे आपने क्रिएट एन अकाउंट करके अपना लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपने एप्लीकेशन आ जाएगी उसको वो सबमिट करनी है, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी एप्लीकेशन को सबमिट करना, एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर वो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिए, अगर आपको नहीं लेट्स सपोज नहीं भी मिलता तो फिर वो आप वो यूनिवर्सिटी जाके जहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं रिक्वायर फिर वहाँ पे अप्लाई कर दे। ये था आज का व्लॉग, और आई होप सो आपको समझ में आप भी गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया, नहीं क्लियर हुआ या आप परेशानी हो रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या आप इंस्टाग्राम पर जाकर DM कर सकें जिसका लिंक मैं बायो में दिया हुआ है। तो आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।